तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज का वीडियो स्पॉन्सर्ड है नॉस्ट्रा गेमर्स प्रो से। तो भाई नॉस्ट्रा गेमर्स प्रो एक लीगल स्पोर्ट प्रेडिक्शन ऐप है विच इज पावर्ड बाय पेटीएम। एंड यहां पे आप एक गेम के बारे में ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, काफी सारे गेम के ऑप्शंस है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, F1 रेस, कबड्डी एंड मेनी मोर। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गेम से पहले एंड आपको राइट प्रेडिक्ट करना है, और अगर आप राइट प्रेडिक्ट किए आंसर्स को आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड उसी पॉइंट से आप कॉन्टेस्ट जीतेंगे एंड वो कॉन्टेस्ट जीतने के आपको पेटीएम कैश मिलेंगे एंड आप अपने विनिंग्स को इजिली पेटीएम एंड बैंक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी और द रॉनी गेम्स के बारे में। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरी मिनाटी शंघाई चाइना गए हुए हैं, बट उन्होंने एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया कि वो क्यों गए हैं उधर। तो कैरी मिनाटी और रॉनी अपने अपने इंस्टाग्राम में ये फोटोज डाले, बैकग्राउंड में आप बिल्डिंग देख सकते हैं, सेम जगह में वो। ऑफकोर्स रॉनी भी चाइना गए हुए हैं, बट हम लोग को अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट रीजन क्यों गए हुए। तो द रॉनी गेम्स अपने कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट किए, आई एम इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ शंघाई फॉर द पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द एक्शन हियर। तो वो पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज के वजह से गए हुए हैं चाइना। और जब हम लोग रॉनी के इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग को फोटो भी दिखता है जो अपने कैरी मिनाटी के साथ डाले हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं फोटो। तो भाई आपको लग रहा होगा पबजी मोबाइल स्टार टूर्नामेंट है क्या? ये बेसिकली एक टूर्नामेंट है जहाँ 6 ग्लोबल टूर्नामेंट रीजन से सेलिब्रिटी स्ट्रीमर्स को बुलाया जाएगा एंड अगर वो जीते तो उनको कैश रिवॉर्ड्स एंड अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेसिकली यही है पबजी मोबाइल स्टार टूर्नामेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बीबी की वाइंस के बारे में। तो आई एम श्योर आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा कि बीबी की वाइंस के फादर अभी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में, और आजकल वो ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव भी नहीं रहते हैं। बट आज उन्होंने ये पिक्चर डाला जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक हॉस्पिटल का बेड का इमेज है। तो इससे पता चलता है कि अभी भी वो अपने फादर के साथ ही है उधर। तो भाई आई रियली रियली होप जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। और बीबी से रिलेटेड एक और स्टोरी है, वो अपने ट्विटर में ये रिट्वीट किए जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर नॉमिनेशंस में से एक वो है फॉर इस शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस। सो या लेट्स सी वो अवार्ड जीतेंगे या नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल रिसेंटली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं ड्यू टू अ यूट्यूब सब ग्लिच। आप इस स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं कि कितने सारे सब्सक्राइबर्स वो लूज कर रहे हैं। करीब 250,000 सब्सक्राइबर्स वो लूज कर चुके हैं ऑलरेडी एंड इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरीज डाले। बहुत ही बड़ा पोपट वाला ग्लिच हुआ है मेरे साथ, काफी लोग ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो गए, अराउंड 90,000। यस 90,000 यूट्यूब को मेल लिखा है मैंने, एक बार अपना चेक कर लो, अगर अनसब्सक्राइब हो गया तो सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो ये ग्लिच खुद ब खुद ठीक हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो, यू नो बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मोस्टली सेन के बारे में। तो मोस्टली सेन कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड की द ब्लाइंड डेट फीचरिंग आयुष्मान खुराना मोस्टली सेन। तो इसमें वो कोलैब की आयुष्मान खुराना के साथ जो कि बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार है यार। सो यह काफी अच्छा कोलैब था, अगर आपको वीडियो देखना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ऋषम के बारे में। तो ऋषम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए, कैंट वेट फॉर इट, माई लाइफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट येट, इट इज कमिंग आउट दिस अक्टूबर। फिर उन्होंने अपलोड किया अक्टूबर फर्स्ट वीक में करते हैं रिवील, कीप वेटिंग। फिर किसी ने उनसे पूछा शॉर्ट मूवी है ये, तो उन्होंने कहा हल्के फुल्के क्लोज हो आप। तो लगता है शॉर्ट मूवी टाइप ही कुछ वो अपलोड करेंगे, लेट्स सी क्या है वो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोटेन गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन गोल्डन फ्लूट प्रवीण ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन सिविल बींग्स ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन ट्रेक इन टेक ने भी कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली फैजल सिद्दीकी को मिल चुका अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डेजी वर्सेस एलेक्स वसाबी के बारे में। तो रिसेंटली डेजी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए वी ब्रोक अप। इस वीडियो में वो बेसिकली उन वीडियोस का रोस्ट किए जो वी ब्रोक अप करके टाइटल देते हैं एंड फेक ब्रेकअप करने का एक्टिंग करके व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं। तो उनमें से वो एक कपल का रोस्ट किए जिसमें से एलेक्स वसाबी और लॉर्ड DIY थे। तो आप खुद देख सकते हैं डेजी उनके बारे में क्या कहे वीडियो में। Guaranteeing you right now, Alex Wasabi has recently broken up with his girlfriend, somehow made 3 videos on it. They will get back together. I mean, they made 3 videos on their breakup. How much you wanna bet they're gonna get back together? I'm putting my money on it. Now that, because I know Alex Wasabi's gonna see this, I wouldn't be surprised if he doesn't get back with his girlfriend now. But I'm putting my money on it right now. They're gonna get back together. Guarantee it! I guarantee it! No one makes 3 videos! On a breakup, you just make one and the other person makes another. You don't cry, make one, and then cry why we broke up. And then probably gonna make another one being, just, you're just milking it at this point.
तो इसको देखकर एलेक्स वसाबी अपने ट्विटर में ये लिखे, योर डेजी मेक ऑल द डेस्परेट फॉर व्यूज विड्स यू वांट अबाउट मी बट इफ यू स्पीक लॉरेंस नेम अगेन आई विल एंड यू नॉट इवन अ थ्रेट ब्रव इट्स अ प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आई सी यू आई एम नॉकिंग योर पैथेटिक अनटैलेंटेड एस आउट स्टे इन योर ब्रो शैडोज वेयर यू बिलोंग देन लॉर्ड डीआईवाई ये कमेंट की, हे डेजी आई डोंट नो यू और गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट योर लाइफ सो कीप माई नेम एंड माई रिलेशनशिप आउट ऑफ योर माउथ एंड पैथेटिकली डेस्परेट वीडियोज यू नो नथिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ब्रेकअप सो मूव अलोंग एंड मेक सम ओरिजिनल कंटेंट। तो बेसिकली दोनों ही बहुत गुस्सा हो गए उनका वीडियो देख के, बट अगर वो अपना पर्सनल लाइफ यूट्यूब के साथ शेयर कर रहे हैं इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म तो मेरे हिसाब से डेजी हैज द राइट टू प्लेस हिज ओपिनियंस अबाउट देम। आई डोंट नो यार आपको क्या लगता है सिचुएशन में कौन सही है एंड कौन गलत, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चल दोस्तों आज के लिए बस मेरे पास इतना न्यूज, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ, प्लीज गो एंड डाउनलोड द नॉस्ट्रा गेमर्स प्रो ऐप, बहुत ही सही ऐप है यार, आपको जरूर मजा आएगा। सो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और फटाफट डाउनलोड कर लो। एंड आज का लाइक हम रखते हैं 9500 लाइक्स, आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। ऑल्सो अगर आपको मेरे को न्यूज सेंड करना है तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके वहां मेरे को फटाफट न्यूज भेज देना। एंड अगर आप वो पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। और भाई अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर क्या रहे यार, आपका भाई बहुत क्लोज है 200K सब्सक्राइबर्स मार्क के, तो भाई जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और मैं आप लोग को ऐसे रेगुलर अपडेट्स देते रहूंगा पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। तो भाई दिन के कुछ मिनट निकाल के मेरे वीडियोस देख लो तो आपका कुछ नहीं जाएगा यार। सो यार टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।